ज़रूरतमंदों को अस्पतालों तक पहुंचाने वाले कैट्स एम्बुलेंस के ये कर्मचारी सड़कों पर हैं। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले कैट्स एम्बुलेंस के ये कर्मचारी महीनों से वेतन और निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोग जान बचाते हैं, पेशेंटों की रोड पर घूमते फिरते हैं, भूखे प्यासे टाइम पे नहीं मिल पाता खाना, फिर भी हम पेशेंट की जान बचाते हैं। और आज हम जो जान बचा रहे हैं उसी का कारण हमको ठेकेदारी प्रथा के अंदर दिए जाने ये हमें दिया जा रहा है, जो 3-3 महीने की सैलरी हमारी रोक ली गई, दूसरी कंपनी नहीं लिया है ये लोग, नई कंपनी लाने के बाद 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हैं। बताइए, इमरजेंसी सर्विस का यही हाल होना चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि निजीकरण कैट्स का बंद हो, आउटसोर्स का जितना भी स्टाफ है उनकी जो तनख्वाह बकाया है वो तनख्वाह दी जाए, दूसरा आउटसोर्स के स्टाफ को कैट्स की पैरोल पे नौकरी दी जाए। कर्मचारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने पहले कैट्स का निजीकरण करके ठेका BVG कंपनी को दिया था, लेकिन कंपनी ने 3 महीने से वेतन नहीं दिया, जिसकी वजह से वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वहीं सरकार अब दूसरी कंपनी को ठेका देने की कोशिश कर रही है और मौजूदा कंपनी वेतन को लेकर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, पहले तो उनकी सैलरी दी जाए, दूसरी की ये निजीकरण बंद किया जाए। अगर निजीकरण इतना अच्छा था तो ये पहले जो कंपनी थी उसको ख़त्म क्यों किया गया? उसका टेंडर 3+2 का था। कल कंपनी पैकअप करके जा रही है, बच्चों की सैलरी का क्या होगा कोई पता नहीं। कंपनी कह रही है जब आएगा हमारे पास तो देंगे, कौन देगा? इसका कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि आपको सैलरी उस डेट को मिलेगी या हम देंगे या वो देंगे। इसलिए नहीं आए थे इस कंपनी में, अपना 7 साल लगाया कि भाई दोबारा न्यू ज्वाइनिंग करें, हमारा क्या होगा फ्यूचर? और गाड़ियों की हालत ऐसी बदतर से बदतर और के जो चलने हालात में नहीं है। निजीकरण के खिलाफ कैट्स एम्बुलेंस के करीब 800 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और इनका साफ कहना है कि जब तक इनके भविष्य को सरकार सुनिश्चित नहीं करती, कैट्स की करीब 250 एम्बुलेंस अपना काम नहीं कर पाएंगी। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी को लेकर केजरीवाल सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन ये दावे, इन दावों की पोल तब खुल जाती है जब सड़क पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं और मांग करते हैं कि सरकार जो कर रही है वो ना करे। ये कैट्स एम्बुलेंस के एम्प्लॉई हैं जो घायलों को और मरीजों को समय पर अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन इन लोगों की सैलरी कई महीनों से नहीं मिली है। इन लोगों का ये भी आरोप है कि सरकार कैट्स को प्राइवेट करने की ओर आगे बढ़ रही है, जिससे इन लोगों की नौकरी और इन लोगों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगदीश के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस।